हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मेरे दोस्त का VFS एक्सपीरियंस है वो, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए स्पेशली, ठीक है? तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, तो आप लोग ये गलती ना करो, क्योंकि उसकी इतनी सी गलती ने उसके बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। तो आओ उसी के मुँह से पूछते हैं। तो हमारे साथ है आज अवीना। तो अवीना, थोड़ा सा अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दे। हाय गाइस, माय नेम इज अवीना एंड आई एम फ्रॉम पुणे, और मैं ऑक्सफर्ड ब्रूक्स में मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रही हूं। और मेरा तो यूके में कब आई थी अवीना? 2021 में। अच्छा, तो क्या हुआ था? मतलब एक छोटी सी तेरी गलती ने इतना कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी? तो मेरे कजिन का एंगेजमेंट था, और उस एक्साइटमेंट में मैंने भी बोला कि ओके, मैं मेहंदी लगा लेती हूं, तो मेहंदी लगा ली। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट था, जिस दिन मैंने मेहंदी लगाई उसके नेक्स्ट डे ही मेरा अपॉइंटमेंट। तो मतलब पूरी जो मेहंदी थी एकदम ताजी ताजी थी। हाँ, मतलब उसका पूरा ब्लैक ब्लैक कलर हो गया था, मतलब हाँ। और बहुत डार्क थी। हाँ। और उसके बाद जब हम लोग सुबह मेरा अपॉइंटमेंट था 8:30 आई थिंक, सो फर्स्ट वही। हाँ। तो हम फिर गए पापा में और मेरा भाई तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने जैसे ही मेरी मेहंदी देखी, मैंने बोला आप जब मेहंदी निकलेंगी तब आओ। और तो उन लोगों ने मतलब तेरे को तेरा बायोमेट्रिक लेने से मना कर दिया? हाँ, मुझे क्लियरली बोला कि तुम्हारी मेहंदी बहुत डार्क है, प्रिंट नहीं होंगे। वो बोले कि हम यहाँ से कर भी देंगे, बट आपका जब इमिग्रेशन पे होता है ना, तो जब उन्होंने बोला कि वहाँ पे प्रॉब्लम होंगी, तो मतलब ऑफकोर्स आई कम्प्लीटली शैटर्ड। मैं डर गई, मैं क्या करूँ क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने उनको बहुत कन्विंस किया कि प्लीज, बहुत ज्यादा कन्विंस करी थी कि प्लीज कर लो, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। उसी सेम दिन जिस दिन तेरी अपॉइंटमेंट थी, उसी दिन उन लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की, करने की ट्राई करी उनको, बट वो लोग सुने नहीं। और फिर मैंने बोला कि व्हाट इफ मैं अगर मेहंदी थोड़ा बहुत लाइट करके आऊं, तो उन्होंने बोला कि ओके, फिर आपको वॉक इन वाला जो अपॉइंटमेंट होता है वो बुक करके आना पड़ेगा। बट स्टिल उन्होंने बोला कि ये भी रिस्क है। एक सेकंड रोकना चाहूंगा। तो दोस्तों, जब मैंने VFS पे अपॉइंटमेंट ली थी, मुझे नहीं पता कोई वॉक इन अपॉइंटमेंट भी होती हैं। तो ठीक है, ये मुझे इसके मुंह से पता चला है कि आप लोग वॉक इन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, तो मुझे तो सिर्फ ऑनलाइन का पता था। तो हाँ, तो अभी ना कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, मैं कहती हाँ। हाँ, तो उनको बहुत कन्विंस करी थी, पर उन्होंने बोला कि फिर भी रिस्क है। तो उन्होंने कुछ और वॉकिंग अपॉइंटमेंट का आई थिंक सो 5000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है तुम्हें, कुछ 5000 रुपीज। तो ठीक है, तो हमने बोला कि ओके, हमारा तो तूने वॉक इन ले ली फिर। हाँ, तो मैंने बोला वॉक इन अपॉइंटमेंट 12:30 पे आती हूँ अगले दिन। नहीं, उन्होंने बोला उसी दिन, उसी दिन उन्होंने बोला कि 12:30 पे आती हूँ। ओके, तो पहली जो अपॉइंटमेंट थी वो 8 बजे थी। हाँ, सुबह के। हाँ, और फिर उसी दिन तूने 12:30 बजे की ले ली। हाँ, एक्स्ट्रा 5000 पे करके। क्योंकि मेरा टिकट्स बुक हो गए थे ना। कि जल्दी वीजा चाहिए, नहीं किया था मैंने, स्टैंडर्ड था किया था। तो मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि मेरा फ्लाइट टिकट हो, ये सब मतलब आप समझ गड़बड़ हो, मतलब एग्जैक्टली। हाँ, वीजा टाइम पे। उसके बाद मैं घर आई और सब निकाला, मतलब सोक करके रखा था हाथ। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग अगर इतना सब होता है। तो फिर वापस हम लोग जब गए, तो वो मैनेजर कहता है कि आप मुझसे क्यों नहीं मिले, आप मुझसे मिल जाते तो मे बी आई वुड हैव ट्राइड इन द मॉर्निंग ओनली। तो फिर उन्होंने मेरा लिया प्रिंट, बट एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर यूके में जब इमिग्रेशन होगा तो दिक्कत हो सकता है। हाँ, जब तुम सब तुम्हारा चले गए, तुम्हारा इंडियन बोर्डिंग भी पास कर लिया, बट जब तुम यूके में जाओगे, तब तुम्हारा जब इमिग्रेशन होगा उस टाइम पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स प्रॉपरली नहीं दिखते, और तब प्रॉब्लम आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वैसा इतना कुछ दिक्कत नहीं आता। बट फिर एक ही एडवाइस है कि डोंट पुट मेहंदी बिफोर गोइंग टू VFS। मेहंदी नहीं, या फिर एनीथिंग लाइक, अगर तुम्हारा कट भी होना तो दे डोंट टेक योर अपॉइंटमेंट, दे विल जस्ट टेल यू कि यू कम टुमारो, और मे बी डिले करते रहेंगे। सो इट्स जस्ट बेटर नॉट टू पुट एनीथिंग ऑन योर हैंड। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि भाई, मेहंदी के साथ साथ कुछ और भी जो चीज़ आपके बायोमेट्रिक में दिक्कत कर सकता है, तो वो कुछ मत लगाओ, ठीक है? अपना पूरा अच्छे से हाथ साफ सुथरे करके लेके जाना बायोमेट्रिक में यार, क्योंकि क्यों रिस्क लेना, ठीक है? छोटी छोटी, जैसे देखो, इसने मेहंदी लगाई थी, ये इंगेजमेंट में गई थी, तो इसने वहाँ इंजॉय कर लिया और मेहंदी लगा ली मजे मजे में, बट इसको आइडिया नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट? VFS में। तो कुछ भी यार, अगर आपको पता है कि अपॉइंटमेंट है, मतलब 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब भी आपको है, तो उससे 2-3 दिन पहले अपने पूरा साफ सुथरे रहो, ठीक है? और VFS जाओ, अपने अच्छे से अपॉइंटमेंट देके आओ। तो बाकी कुछ और बताने चाहेगी इनको? कुछ नहीं, बट यही है कि टेंशन मत लो जब वीजा अप्लाई करते हो, तब कि वो होता है टेंशन, तो मत लो। तो मतलब 12:30 बजे जब तू अपना लाइट करके गई मेहंदी,
तो सब सही हो गया था फिर? हाँ हाँ तब सही, मतलब पर क्योंकि मेहंदी क्योंकि एकदम तो पूरी मिटी नहीं होगी ऑब्वियसली। हाँ तो मेहंदी के ऊपर जब नई नई होती है ना तो उसके ऊपर एक स्किन होती है जो मेहंदी की डिजाइन की होती है, तो वो हमने वो निकालने की कोशिश की। और पहले तुमने उसे पूरा कोशिश किया जितना लाइट से लाइट हो जाए। एग्जैक्टली हाँ, तो वो हो गया, तो वो हो गया एंड फिर वीजा आ गया और आप यूके में आ गए। ओके सो दोस्तों ये इसका ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सही में बताऊं तो, क्योंकि ये छोटी सी गलती वीजा रिजेक्शन भी हो सकता था। ठीक है, बायोमेट्रिक नहीं होता तो ये डिले होता था इसने, और इसने ऊपर से टिकट्स भी बुक कर लिए थे। और यूजली हम में से ज़्यादा लोग यही करते हैं कि अपने टिकट्स बुक कर लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम लोग की अपॉइंटमेंट अब है तो इतने दिन में वीज़ा आ जाएगा। तो राइट, सो ये प्लीज़ अपने आप ध्यान रखिएगा अपने जब VFS जाएं अपने अपॉइंटमेंट के लिए। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।